नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। भागलपुर में बहुचर्चित सृजन घोटाले में पुलिस की गिरेबान अभी आरोपियों तक पहुंची ही नहीं थी कि भागलपुर में फिर एक दूसरा घोटाला सामने आ गया है और यह घोटाला कहलगांव पीरपैंती क्षेत्र से जुड़ा है और इस घोटाले में भागलपुर के पीरपैंती के खनन विभाग से जुड़ा हुआ यह घोटाला है और इस घोटाले में वहां पर काम करने वाली कंपनी जो है सीटीएस कंपनी और यह कंपनी जो है आसपास के क्षेत्रों में खनन का काम करती है और इस खनन के लिए चालान देना होता है सरकार को। इसके बदले में चालान के एवज में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन यह जो पैसा है वर्षों से नहीं दिया गया है और यह घोटाला करोड़ों रुपये का घोटाला है और इस घोटाले की जो परत खुली है वो आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ जो है बुद्धू चक्र निवासी सुशील राय जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला था और क्या इस घोटाले की जो है कैसे परत खुली? घोटाला ये मैं आरटीआई के तहत भागलपुर माइनिंग से प्रणव कुमार के रीजन का है। मांगे तो वो बोले कि 2017-18 में जीरो अमाउंट है, शून्य लाइसेंस मिला है, माइनिंग का चलान कटा है। तो मैंने कहा कि 2017-18 में तो 245 रेक लोड हुआ है पीरपैंती से। इसको शुरू से हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, जो घोटाला है आसपास के जो आपके क्षेत्र में पत्थर का कारोबार है यानी माइनिंग का काम होता है वो सीटीएस कंपनी करती है। हाँ। और सीटीएस कंपनी इसके एवज में चालान के बदले पैसे देती है सरकार को। हाँ। तो ये पैसे जो है कब से नहीं जा रहे हैं सरकार को? सरकार को ये पैसे 2016 से नहीं जा रही है और मैं तो आरटीआई के तहत 16-17 का मांगा हूँ, 17-18 का, लेकिन ये 16 से ही नहीं जा रही है और मुझे उम्मीद है कि झारखंड में इससे बड़ा घोटाला सीटीएस कंपनी की है। ये तो पीरपैंती का छोटा मोटा 9,45,00,000 का घोटाला है, लेकिन झारखंड में इससे भी बड़ा घोटाला वो करके बैठी है। घोटाला तक हमें उम्मीद है। घोटाले में जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि वहाँ से जो है माल को यानी गिट्टी लदा जो चीज़ होता है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन लाया जाता है और इस दौरान यानी कि खनन स्थल से और ट्रक तक लाने के लिए यानी रैक तक पहुँचाने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो प्रक्रियाएं के दौरान बहुत सारे अफसरों का इसमें काम होता है, तो वो अफसर लोग इसमें क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं? देखिए, ये इंटरफेयर माइनिंग ऑफिसर के थ्रू होना चाहिए, माइनिंग ऑफिसर को करना चाहिए, माइनिंग ऑफिसर का चीज़ है। लेकिन माइनिंग ऑफिसर मिलीभगत है सीटीएस कंपनी के साथ, जो कि प्रणव कुमार नाम है, जो भागलपुर में थे वो सीटीएस से मिले हुए थे, और लिपिक कुणाल किशोर जो कि सीटीएस का ही काम करते थे, सरकारी काम से ज़्यादा ये सीटीएस का ही काम करते, यहाँ तक कि उसका फाइल भी अपने हाथ से भरते थे, साइन भी मालिक का अपने से ही मरवा देते थे, मार देते थे, और लाइसेंस उसको दिया जाता था। तो आपको क्यों नहीं लाइसेंस मिला और आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैं इसका शिकायत खनन भूतपूर्व विभाग प्रधान सचिव के पास की, तो वहाँ मैडम बोली कि आपको इंसाफ मिलेगा और मैं विश्वास रखता हूँ कि जरूर इंसाफ मिलेगी हमें वहाँ से। तो अभी फिलहाल बात यह सामने आती है कि ये जो घोटाला है कितने वर्षों से चल रहा है और आपके पास क्या एविडेंस है? मेरे पास एविडेंस के मामले में आरटीआई के तहत मांगा गया सब पेपर है और कुणाल लिपिक जिस हाथ से राइटिंग से उस सीटीएस कंपनी का फॉर्म भरे हुए हैं और मालिक का साइन मारे हुए हैं उसका जीरोक्स है, और एक लिपिक भूषण कुमार नाम है, वो जबकि बहुत सारी पॉइंट उनका बताया कि कभी ये कंपनी का ऑफिस चेंज करती रहती है क्योंकि 420 कंपनी है, तो कभी अपना एड्रेस कलकत्ता बताती है तो कभी बताती है बम्बई, कभी अपना एड्रेस कहीं और बताती है। तो इस आधार पे वो लिखे थे कि इन्हें लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, ये 420 कंपनी है। जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि इस कंपनी का ही हाथ है कि उन्हें भी सस्पेंड कराया गया चाल गेम खेल के, वो अभी जॉब में नहीं है। तो बात यहाँ जहाँ तक शक है कि उन्हीं का एक सीटीएस का ही खेल है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जब इस तरह के बरसों से कारोबार जो है अवैध कारोबार चल रहे थे वहाँ पे, तो आपने नज़दीकी थाना पुलिस वगैरह को सूचना क्यों नहीं दी? नज़दीकी थाना पुलिस का ये मैटर नहीं है, जो कि खनन की मैटर है, ये खनन में ही इसका सॉल्व होगा और खनन ही गाड़ी पकड़ सकती है। अभी जैसे कि थाना प्रभारी को अधिकार नहीं है कोई ट्रक पकड़ना, ट्रक चेक करना,
ये अधिकार नहीं है माइनिंग चालान चेक करना, ये अधिकार खनन को होती है। और खनन CTS कंपनी के साथ मिली हुई है, मोटी रकम ले रही है घोटाला में, तो वो तो कभी पकड़ने जाएगी नहीं, दूसरे को लाइसेंस नहीं दे रही है। हम लोग युवा हैं, रोजगार करने के लिए आए हैं कि चलिए बिहार में करेंगे, भागलपुर जिला में मेरा घर है, जिला में ही रोजगार करेंगे। लाइसेंस बना लिए, 3 साल से दौड़ रहे हैं CTS कंपनी के कारण, हमें लाइसेंस नहीं मिल रही है। और CTS कंपनी घोटाले कर CTS कंपनी घोटाले कर रही है। 2019 में भी मेरा हर लाइसेंस का हर पन्ना पूरा है, इसके बाद भी मुझे लाइसेंस नहीं मिला। 2020 में भी अभी भी ऑफिस में हर पन्ना एक जमा है, कोई भी कमी मेरी पेपर में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मैडम हमको लाइसेंस दिलाएगी। एक हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि एक रैक के लिए कितने का चालान कटता है? एक रैक में कम से कम जिसमें 53,000 लोड होता है उसमें 3 लाख का कटेगा, और जिसमें 72,000 सेप्टिक लोड होता है उसमें 5 लाख का चालान कटेगा। इसको हम इस तरफ ऐसे हम समझते हैं कि जो रैक होता है, जिसको रैक बोला जाता है कि मालगाड़ी होती है, और मालगाड़ी में 2 तरह की गाड़ियां होती हैं, जिसमें कि एक 53,000 कटता है, वो 42 बक्सा की होती है, वो बंद बक्सा आती है, और एक 56 बक्सा की होती है जो बॉक्सन कहलाता है, वो खुला बक्सा रहता है, उसमें 73,000 लोड होता है। तो एक रैक के लिए कितने पैसे चलान, कितने का चलान कटता है? 53,000 वाले में 3-3.5 लाख का कटता है, और 70,000 वाले में 5 लाख का कटता है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मालगाड़ी तक जो है वहाँ से कंक्रीट पहुँचाया जाता है, जो पत्थर वहाँ डाला जाता है, उसमें एक रैक में 2 तरह के रैक होते हैं, जिसमें एक जो है 3.5 लाख रुपये का चालान कटता है, एक में 5 लाख का, लगभग 5 लाख का। और यह जो है चालान लगभग सरकार को, तकरीबन इन्होंने जो RTI से जवाब मांगा है उसमें इन्होंने 2017 से 2020 तक का मांगा है, और 2017 से 20 तक में अभी तक चालान शून्य बताया गया है। जो इनको जवाब मिला है RTI के तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि अभी तक जो है चालान शून्य है। तो लगभग करोड़ों रुपयों की जो गबन है वो तो इसी साल की हो जाती है। और इनका दावा है, इनका कहना है सुशील कुमार राय जी का, कि यह कारोबार, अवैध कारोबार और यह घोटाला बरसों से, यानी 2017 से पहले से भी जारी है। तो कहीं ना कहीं इसमें विभाग की, या तो फिर यहाँ के माइनिंग विभाग के जो अफसर हैं उनकी लापरवाही, या फिर मिलीभगत कह सकते हैं, ताकि इस तरह के जो करोड़ों रुपये का सरकार को चूना लगाया जा रहा है, तो जब तक इसमें अफसर की मिलीभगत नहीं होगी तो यह अवैध कारोबार चल ही नहीं सकता है। और हम सब और कुछ सवाल कर लेते हैं और कुछ विशेष जानकारी इनसे ले लेते हैं कि दूसरा हम आपसे सवाल यह है कि इस तरह के अवैध कारोबार में जब आपकी मतलब नज़र कब पड़ी कि यहाँ पे इस तरह का अवैध कारोबार हो रहा है? जब मैं 2018 में लाइसेंस अप्लाई किया खनन के लिए, हाँ खनन के लिए, और रेलवे में अप्लाई किया, तो इसके बाद मैं ऑफिस आने लगा तो हमें कुछ कुछ रिपोर्ट मिलने लगा कि यहाँ पे गलत ढंग से रैक लोड होती है। तो हमें CTS कंपनी हर टेबल पे पेपर रुकवाती थी, रेलवे में भी, यहाँ भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो कि 18 में लाइसेंस मिला भी, 19 में हमें नहीं मिला, 20 में भी पूरा पेपर ओके है, अभी तक तो नहीं मिला है, आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं है। इसको हम इस तरह से आपको समझाते हैं कि माइनिंग के लिए वहाँ पर ऑलरेडी पहले से CTS कंपनी है, उसके बाद बुद्धूचक निवासी सुशील राय ने अपना जो है लाइसेंस अप्लाई किया, यानी कि ये वहाँ पर खनन के लिए लीगल रूप से काम करने के लिए इन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई के बाद जब इनका कार्यालय आना जाना हुआ तो इनको पता चला कि CTS कंपनी जो है अवैध रूप से खनन करा के बिना चालान के माल को, यानी कि कंक्रीट को, गिट्टी को, जिसको क्षेत्रीय भाषा में गिट्टी बोलते हैं, उसको जो बगैर चालान कटाए वो भेज रही है। उसके बाद इनका कार्यालय दफ्तर, माइनिंग विभाग का दफ्तर आना जाना हुआ, वहाँ से इनको जानकारी मिली कि ये जो है अवैध कारोबार चल रहा है। और देखा जाए तो इसमें कि जब वहाँ पर कंपनियाँ आई, यानी CTS कंपनी जो वर्तमान में भी अभी पीरपैंती क्षेत्र में खनन का कार्य कर रही है, तो फिर उस पर विभाग की अभी तक नज़र क्यों नहीं है? और इसको इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पीरपैंती क्षेत्र में खनन का काम CTS कंपनी कर रही है
उसका जब एड्रेस पूछा जाता है, जब उसका पता मांगा जाता है कि ये कहाँ की कंपनी है, कितने दिनों से काम कर रही है देश में ये कंपनी और कहाँ कहाँ काम कर रही है, तो हर बार जो है पता जो है एड्रेस बदल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी यह शंका आशंका जाहिर होती है कि यह कंपनी अलीगल है। और एक सवाल आपसे हम जान लेते हैं, अभी एक ऐसा वाक्य आप सुनने के लिए आया कि जब आप इस चीज़ को रोकने के लिए रुकवाने के लिए अवैध खनन को रुकवाने के लिए यानी चालान की प्रक्रिया जो हो रही है इसको रुकवाने के लिए जब आपने चक्कर लगाना शुरू किया तो आपको धमकी मिली, जिसके बाद आपने कोर्ट में सहना भी दर्ज कराया है, ये मामला क्या है? कोर्ट में विभाग हाँ, इनके द्वारा और देखिए कुणाल कुमार लिपिक हैं ये, लिपिक जो है ये क्या किस विभाग में कहाँ पे हैं? अभी तो इनका पहले भागलपुर में ही थे, माइनिंग ऑफिस में ही थे, और इसके बाद वहाँ से अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इनके भाई श्री मेरे गांव में गए हुए थे, चचेरा भाई दूर से, और वो मुझे रिश्वत भी देने के लिए प्रयास किए कि आप इस मैटर को मत उठाइए और आपकी पेपर हम घर पे ला के पहुँचा देते हैं। तो मैंने बोला कि ये सरकार की चीज़ है और मैं जो कर दिया हूँ मैं उसे उजागर करके रहूँगा। तो ये धमकी दिलवाए बहुत लोगों से, दूर दूर से पता चली हमें जान मारने की, हाँ जान मारने की, कि हमें जान मारने की साजिश रचा जा रहा है। तो मैं कोर्ट में जाके एक सनहा डलाया जिसमें कुणाल किशोर लिपिक का नाम दिया और उनका भाई टिंकू का नाम दिया। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि इसका खुलासा हो। जब इतना मैं मेहनत करके 60-70 बार ऑफिस आके एक एक चीज़ मैंने जुटाया हूँ और पता लगाए हैं और आज उजागर जब कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इस घोटाला का जांच हो, परत खुलनी चाहिए और परत खुलनी चाहिए। और ये 100% श्योर हूँ कि प्रणव कुमार माइनिंग ऑफिसर और कुणाल लिपिक और प्रांजल तिवारी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस घोटाला में, और ये मोटी रकम ये लोग भी करोड़ों में लिए हैं। इसके बाद लाइसेंस इसको 2020 में रिन्यूअल किए हैं। आपके अनुमान से कितने की अनुमानित राशि घोटाले की हो सकती है? ये झारखंड बिहार की जांच किया जाए, बिहार की हम बात करें, बिहार का ये किया जाए तो 9 करोड़ की घोटाला होगी, और झारखंड सरकार इसका जाँच करे तो बहुत ज़्यादा की घोटाला है। ये CTS कंपनी 420 कंपनी है। बात घोटाले की तो हो गई, लेकिन इससे पहले जो भागलपुर में सृजन घोटाले हुए हैं और उसमें जो अभी तक के आरोपी रहे हैं, उसमें मुख्य आरोपी मनोरमा देवी जी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका जो बेटा था अमित कुमार और उनकी बहू प्रिया कुमार, वो भी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI दोनों को पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि अमित कुमार को आसमान निगल गया या फिर धरती खा गई है। अब जो है ये घोटाले सामने आए हैं और लगभग 900 करोड़ की, ये जो 9 करोड़ की घोटाले जो अभी तक ये हैं, और ये घोटाले की जो परत खुलती है या नहीं खुलती है ये तो वक्त बताएगा, बात बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो पीरपैंती क्षेत्र में CTS कंपनी काम कर रही है उसकी जांच होनी चाहिए, और खासकर अगर देखा जाए जो इस तरह से अनलीगल रूप से बगैर चालान के जो माल बाहर भेजा जा रहा था इसकी भी जांच हो। और खासकर इसमें सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि जब घोटाले को लेकर लोग सामने आते हैं, जब घोटाले को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, वो भी माइनिंग विभाग यानी खनन विभाग के अफसरों के द्वारा। हालांकि अब ये मामले खुल चुके हैं, अब बात सामने आ गई है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले का पर जांच कितनी जल्दी होती है या फिर इस मामले में और कितने लोगों की पहुंच होती है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है।